सो कल को अगर आप बैचलर्स पढ़ने आते हो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इस देश में, जर्मनी में, तो कितना लगभग पैसा लग जाएगा, ट्यूशन फीस कितनी लग जाएगी और कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी लग जाएगी? मेरे साथ एक स्टूडेंट है, ये आप क्या पढ़ रहे हो अभी यहाँ पर? बैचलर्स इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट। फीस कितना पे कर रहे हो पर सेमेस्टर और एनुअली पूरा बैचलर्स का, और खर्चा कितना आ रहा है रहने खाने का? तो मेरी पर सेमेस्टर की फीस है 3,300 यूरोस, जिसे आप 7 सेमेस्टर्स में मल्टीप्लाई करते हो, तो मेरा कोर्स 3.5 ईयर्स का है, तो टोटल होता है 23,100 यूरोस। एंड कमिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग, मेरा साल का खर्चा होता है 11,000 यूरोस तक, अगर ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की। तो अगर हम इसे 3 साल में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 33,000 यूरोस हो जाता है। तो अगर हम इसे प्लस करते हैं लाइक फीस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग को, तो 53,000 यूरोस तक मेरा पूरा खर्चा होता है। लगभग 53 से लेके, अगेन डिपेंडिंग ऑन कौन से यूनिवर्सिटी में आप जाके पढ़ रहे हो और आपका पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस कितना है, तो ये एक एस्टिमेशन है, ये आप इतना पे कर रहे हो। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग लेके चलो, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कल को जाके पढ़ने सोच रहे हो, दिस इज व्हाट अ बॉल पार्क ऑफ नंबर व्हाट यू शुड लुक एट। वीडियो पसंद आया लाइक करना एंड फॉलो फॉर मोर।